नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। आम तौर पर आपने एक कहावत सुनी होगी, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब अगर बात करें तो इस कहावत की जब हमने पड़ताल की तो पता चला कि यह कहावत उस वक्त चर्चाओं में आई जिस वक्त राजा हरि सिंह भारत का विलय कश्मीर में कर रहे थे और तब शेख फारूक अब्दुल्ला ने इस पर खुशी जाहिर की थी और इस खुशी पर पाकिस्तान को नागवार गुजरा था और कहा था कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। अब बात की जाए तो यह कहावत मैं आपको क्यों सुना रहा हूँ, क्योंकि खबर तो समाजसेवी अशोक अरोरा गोलीकांड को लेकर है। अगर बात करें तो अशोक अरोरा के गोलीकांड में भी बेगानी शब्द का जमकर इस्तेमाल किया गया और यह शब्द जमकर उछला। निश्चित तौर पर यह वो बेगानी नहीं है जब यह कहावत पाकिस्तान और कश्मीर के विलय होने पर कही जा रही थी, लेकिन जब हमने इस शब्द की पड़ताल की तो पता चला कि कश्मीर में बेगानी को रजाई कहते हैं और रजाई जो है पर्दा डालने और छुपाने के काम आती है। अब अगर बात करें तो समाजसेवी अशोक अरोरा गोलीकांड में भी ये बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कहावत कहीं ना कहीं सीधे तौर पर फिट होती है, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर भी बेगानी का अर्थ जो होता है पर्दा डालना छुपाना, क्योंकि अगर बात करें तो समाजसेवी अशोक अरोरा गोलीकांड मामले में कई ऐसे लोग थे जो पर्दा डालने का काम कर रहे हैं, जो कई छुपाने का काम कर रहे हैं। जिस तरीके से अगर बात करें तो राकेश अरोरा के 100 करोड़ रुपए जो थे उनको जमीन में लगाने का काम किसने किया था, वो कौन है जो इस पूरे कांड पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा था और कर रहा है। वहीं अगर बात करें तो जब हमने इसकी पड़ताल की तो पता चला कि कई ऐसे चौंका देने वाले नाम हैं, कई ऐसे लोग हैं जो इस पर पर्दा डालने का काम कर रहे हैं और बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने का रोल निभा रहे हैं। हमने तो पड़ताल कर ली कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन है, कहावत की कहाँ से शुरुआत हुई, लेकिन पुलिस को अब भी की पड़ताल करना बाकी है। अब वो कौन शख्स है जो गोलीकांड में बेगानी रजाई का काम कर रहा है, ये एक बड़ा विषय है। पुलिस को इस पर बारीकी से तफ्तीश करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना कौन बना, किस तरीके से जो समाजसेवी अशोक अरोरा गोलीकांड मामला सामने आया था किस तरीके से इस पर पर्दा डाला जा रहा है और कौन वो लोग हैं जो बाबू सिंधी और जो समाजसेवी अशोक अरोरा उनके बीच में जंग कराने का काम करते थे और किस तरीके से जो है पर्दा डालने का काम कौन कर रहा है, करोड़ रुपए कहाँ खपाए गए, किस तरीके से लगाए गए, ये एक विषय पुलिस के लिए गंभीर है। पुलिस को इस पर बारीकी से काम करना चाहिए।